नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में, बद्री विशाल एंड संस पे हैं। हमारे साथ अजय भैया हैं, आरती महोदय जी, मंडी के मंत्री जी भी हैं। और आज किसान भाइयों सोमवार का दिन है, 21 अक्टूबर है, और भैया मंडी में आमदनी अगर देखें तो अजय भैया के यहाँ अच्छा खासा माल लगा हुआ, कई लाटों की बीजा वगैरह की बिक्री हो गई है। तो भैया से जानेंगे आज सोमवार को आमदनी पे क्या माहौल है। और ये देखिए आज लाटे हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा आलू कलर पानी इसका डाउन है, कलर इसका थोड़ा काला पड़ चुका, गीला आलू है। तो अजय भैया इससे ही शुरुआत करते हैं, गीला आलू है और इसका कलर अगर देखें तो कलर थोड़ा डार्क है, ये क्या माहौल में मंडी में रहा है आज? ये 15 रुपए का बिका, 15 रुपए किलो गीला है, गीला है, रंग का काला है, काला रंग का है। अच्छा आज की भैया मंडी में देखा जाए, सोमवार है तो आमदनी वगैरह कैसी? आमदनी 80-90 गाड़ी की है, 80-90 गाड़ी की है। अच्छा अभी सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बजे के आसपास है, ग्राहकी कुछ निकलना चालू हुआ है, क्या माहौल है भैया? पोजीशन ठीक है, बीजे की उठान बढ़िया है, बीजे की पोजीशन 12 से 14 रुपए, जो व्यापारी सफेद वाले बीजे सफेद की 12 से 13 रुपए व्यापारी ले रहा है, जो किसान ले लेता है वो 13 से 14 रुपए, किसान 13 से 14। लेकिन किसान छोटी छोटी लाटे लेता है, व्यापारी में थोक चली जाती है, किसान का रेट 13 से 14, व्यापारी का रेट 12 से 13। 12 से 13 है। अच्छा अजय भैया सबसे पहली बात आती है कि लाल आलू के जो बीज हैं अपने यहाँ आते हैं मंडी में, उनका क्या माहौल है? पिछले सप्ताह में तो थोड़ा डाउन रहा शुरुआत में, अब क्या माहौल बना इस समय? 20 से 22 रुपए, 20 से 22 रुपए गोल आलू भैया, गोल आलू का कोई कंचा सिंदूरी अपना कोई भी? अच्छा 20 से 22 रुपए गोल आलू का भाव है, बाकी अगर बात की जाए तो बीजा का भाव भैया ने बता दिया। अजय भैया आपने फार्म का नाम बता दिया और अपनी दुकान का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर ये भैया? 94512198035 मोबाइल नंबर है। अच्छा अपनी दुकान नंबर और ये चौथा नंबर कितना है? बद्री विशाल एंड संस, दुकान नंबर 32। अपना चौथा नंबर कितना लगता है भैया? चौथा नंबर एक पे है। तो भैया आज की हम लोग ये शुरुआत करें, सामने की तरफ अगर देखेंगे तो ये 37-97 आलू शायद लगा है सामने, ये तो ये भैया इस तरीके का 37-97 के छट्टे के का माहौल है इसकी फोटो जी, 37-97 के छट्टों का, 37-97 भैया 18 रुपए से 22 रुपए तक बिक रहा, क्वालिटी के ऊपर है। अच्छा हाइब्रिड के छट्टों का क्या माहौल है भैया? 18 से 20 रुपए बढ़िया में, 18 से 20। अच्छा भैया ये देखिए हम आपको दिखाएं आगरा साइड के, ये मोटे गुल्ले हैं, ये गुल्ला है। और ये फिलहाल में एक नंबर इसको बोलेंगे भैया, दो नंबर? एक नंबर बोलेंगे, डबल ए मार्का, सतीश उपाध्याय आगरा की गाड़ी। अच्छा सतीश उपाध्याय जी की है, डबल ए मार्का की है। हाँ। तो भैया ये जो मार्का वाला माल मतलब व्यापारी लोगों का अच्छा वाला आता है, इनका कोई भाव ऊपर नीचे रहता है? 19 रुपए में बिकी है, ये 19 रुपए में। अच्छा आम जनरल बाजार में मानी जाए तो क्या? 18 रुपए तक, 18 रुपए तक जनरल बाजार, बढ़िया में 18 रुपए, बढ़िया में 18, बाकी नीचे में? नीचे में कोई 14-15 रुपए तक, 14-15 मतलब 16 से 18, 19। अच्छा वाला गुल्ला ऊपर ऊपर में माने 19 से तक है लास्ट 19। अच्छा ये अपने सामने जैसे लॉकर दिख रहा था, लॉकर है सिंदूरी है, लॉकर 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 है ये वाला भैया, क्या माहौल का? 22 रुपए किलो। अच्छा और लॉकर हो भैया तो क्या माहौल जाएगा? बढ़िया लॉकर 21-22 रुपए, बाकी तो 18 से 22 रुपए तक। अच्छा भैया सिंदूरी की क्या पोजीशन है समय मंडी में? 21-22 रुपए किलो सिंदूरी भी यही है, कंचन का लाकर ज्यादा मांग रहा है, लाकर सिंदूरी बराबर पे चल रही है। अच्छा कंचन का भैया क्या पोजीशन है? 18 से 20 रुपए, 18 से 20। अच्छा अपने क्षेत्र में चर्चा में रहता है हॉलैंड आलू, हॉलैंड और श्रीनाद ये दोनों चर्चा में, हॉलैंड बिक रही 23 रुपए से 26 रुपए तक, 23 से 26। हॉलैंड में लग रहा की वही अपना भाव, हॉलैंड अपने रेट पे खड़ी है, क्वालिटी के ऊपर है। अच्छा श्रीनाथ वगैरह भैया अपने मंडी में इस समय थोड़ा आ रहा की कुछ सिलो है माहौल? श्रीनाथ की पोजीशन 23 से 25 रुपए ना, 23 से 25 रुपए, 25 रुपए। अब अच्छा भैया लास्ट सवाल आता है कि किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, दीपावली का समय भी आने वाला है, आलू निकालना चाहिए, अब तो कोड़ बंद होने के दिन आ रहे भाई, अब अभी भी नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे भाई, अब तो बंद होने के दिन आ रहे हैं, 31 अक्टूबर तक तो बंदी का होता है, हाँ ऊर्जा वाला नवम्बर तक भी चलता है। तो ये भैया बद्री विशाल भैया थे, हमारे मंत्री जी भी हैं मंडी के, मंत्री से भी जानकारी लेंगे क्या माहौल है, और मंत्री जी मंडी में लगातार भ्रमण भी करते रहते हैं। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और तो अपनी दुकान का नंबर बता दीजिए। अच्छा मंत्री जी आप तो लगातार मंडी में घूमते भी रहते हैं, आप देखते भी माहौल है, तो अब क्या आज की स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है, माल निपट जाएगा कि कुछ बैलेंस उठेगा? माल तो सब निपट जाएगा, माल तो निपटेगा, बैलेंस होने की संभावना नहीं है। अच्छा ग्राहकी कैसी है मंडी में समय चल रही है? ग्राहकी खूब है, अपना लोकल में किसान भी आने लगा है कि अपना ये अपना जो चालानी का लोग काम कर रहे हैं वही भी कर रहे हैं? चालानी काम कर रहे हैं, सो ही हो रहा है, किसान तो लेके आता लोकल का नहीं, जैसे मान लीजिए ये जैसे बीजा टाइप के जो आलू पड़े हैं ये जैसे किसान भी इनको खरीद के ले जाता है, तो क्या ये किसान अभी कुछ ले जा रहा है यहाँ से? क्या किसान ले जा रहे हैं, अपना बो रहे हैं। अच्छा भैया गुजरात वाला जो आलू आ रहा था तो हमें लग रहा मंडी में गुजरात का नहीं, पंजाब का भी नहीं है, पंजाब का भी लोकल का है भी। तो भैया क्या मानते हैं, सप्ते की शुरुआत है, सोमवार दिन है, तो क्या उम्मीदें कर रहे हैं आगे चल के, अब क्या कैसा का माहौल, सप्ते में चलेगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करते?
अब इस हफ्ते का मतलब तो हफ्ते में सवाल बिकेगा बिल्कुल सम्मान के साथ बिकेगा। भैया देखिए, आप भैया किसान हैं या आड़ती हैं व्यापारी? आड़ती। अच्छा आड़ती हैं। आप दादा पहले अपना नाम बता दिए, क्या नाम है आपका? लल्लू लाल एन ब्रदर्स। अपना भैया यहाँ मंडी में ही करे? हाँ, अपनी बाप 24 दुकान है। अच्छा अच्छा। तो दादा आप तो कई दौरों से लगातार आप देख रहे होंगे आलू का माहौल। हाँ, लगातार इस हफ्ते में थोड़ा अच्छी बाजारें रही हैं। पिछले हफ्ते आएंगी, किसान बेचने के मूड में है, आलू निकल रहा है, सब इज्जत से निपट जाएगा। भाई साहब कोल्डों से जहाँ तक रिपोर्टें आ रही हैं 80% 70% ऐसी निकासी लगभग। हाँ, वो सही रफ्तार चल रही है। हाँ, आलू सब निपट जाएगा अच्छे भाव में। अच्छा आप क्या लग रहा है इस हफ्ते में बैलेंस कुछ रहेगा कि नहीं? बैलेंस नहीं, बिक्री इतनी अच्छी है, बैलेंस का कोई खेल अब नहीं चलेगा। आप कच्चा आलू इतना लेट हो गया कि पुराना समेट। अच्छा अपना भैया कौन सा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? हमारा कन्नौज अरौल बिल्लौर। अच्छा कन्नौज अरौल बिल्लौर, तो अपना तो कच्ची वाला क्षेत्र माने? कच्ची, हाँ कच्ची भी है और स्टोर भी। प्याज का काम हमारा थोड़ा फुटकर का लोकल का है। अच्छा मतलब प्याज का काम मतलब। हाँ। वो अपना जाओ उधर एरिया है वहाँ प्याज भी ज्यादा होता है। हाँ, हाँ। लोकल का जो प्याज चलता है। हाँ। वो भी एक अगर माना जाए जिधर जो किसान भाई अपना कच्चे में मतलब तरीके फरवरी में खोद देते फिर वो लोग प्याज लगा देते हैं। हाँ। तो वो वाला काम भी अपना चलता है। तो दद्दा ने बताया दद्दा के अनुमान से फिलहाल में जो बाजारें ठीक ठाक हैं और आलू की बिक्री भी मंडी में अगर देखा जाए तो भैया क्या देखिए कई लाटों की बिक्री हो गई है और माहौल अगर देखें सुबह सुबह से ही ग्राहकी कहीं ना कहीं लगातार मंडी में निकल रही है। तो ये स्थिति है। और इधर अगर देखें तो ये देखिए एक एलआर लॉकर आलू है। ये देखिए लॉकर की ये क्वालिटी देख लीजिए, इस तरीके की क्वालिटी है। और ये कि ये दूसरा भी आलू जो है पैकेट इसका काटा जा रहा है, व्यापारी भाई जो है इसको देख भी रहे हैं। तो ये माहौल है फिलहाल में मंडी का और मंडी की स्थिति को देखते हुए फिलहाल में आज की तारीख में ग्राहकी ठीक ठाक तरीके से नजर आ रही है। तो आज की जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।